असंभव स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की फिजिक्स से आपकी फेडरल बोर्ड और अल्बनी बोर्ड के लिए या बोर्ड के तमाम क्लासेस के लिए इसके न्यूमेरिकल से यूनिट नंबर 2 है आपका काइनेमैटिक्स है। काइनेमैटिक्स मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट डिस्कसिंग फोर्स, जिसमें फोर्स को डिस्कस नहीं किया जाता और सिर्फ मोशन ऑफ बॉडी को डिस्कस किया जाए उसको काइनेमैटिक्स कहते हैं। ये बेसिकली मैकेनिक्स की एक ब्रांच है और दूसरी ब्रांच जो है वो डायनामिक्स है, और डायनामिक्स जो है वो थर्ड चैप्टर है आपका। चैप्टर नंबर 2 जो है वो काइनेमैटिक्स है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोर्स। अगर आप डिस्कस करते हैं तो उसको काइनेमैटिक्स कहते हैं। अब आपके न्यूमेरिकल्स हैं, मेटल बेस किए बगैर आपको डायरेक्ट 2.1 न्यूमेरिकल फर्स्ट आपका न्यूमेरिकल है। सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ा करें और न्यूमेरिकल में डाटा क्या दिया हुआ है और क्या कैलकुलेट करना है ये आप समझा करें। कोशिश करते हैं कि दो हिस्सों में ये न्यूमेरिकल हो जाए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अभी पार्ट 1 में हम 50% इसके न्यूमेरिकल यानी 5 न्यूमेरिकल्स करते हैं या 6 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। पार्ट 2 में हम 7 से लेकर 10 तक करेंगे, टोटल 10 न्यूमेरिकल्स हैं। पहले 6 न्यूमेरिकल्स हम कर देते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड्स, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट। सबसे पहले हम देखेंगे कि गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा यह है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। देखिए आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें ये पांच चीजें इन्वॉल्व हैं, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, वी या फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। ये पांच चीजें आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन में इन्वॉल्व हैं और हर इक्वेशन में चार चीजें आती हैं, एक मिसिंग होती है। तो लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तब होती है when a body is moving with some velocity and it changes its velocity. जब velocity change होती है तो फिर initial और final का concept आता है। लेकिन यहाँ आपके first numerical में वो कह रहा है कि moving with uniform velocity of 36 km per hour. तो जब ये uniform velocity की बात करें तो आप इसको v, a भी लिखेंगे। average velocity यही होती है 36 km पर आवर। फॉर 10 सेकंड्स यूनिट्स को देखा करें, यूनिट आपको सेकंड बताई गई है, इसका मतलब टाइम है। तो t इज इक्वल टू 10 सेकंड्स। अब आपसे जो चीज पूछी गई है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस के लिए आपकी फिजिक्स में s इस्तेमाल होता है। तो गिवन ये है तो टू फाइंड इसको लिख दिया करें टू फाइंड, यानी हमने कैलकुलेट क्या करना है डिस्टेंस। स्टूडेंट जब इनिशियल वेलोसिटी ना हो, फाइनल वेलोसिटी ना हो, एवरेज वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, तो अब आप सिंपल फार्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये आप देख सकते हैं किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन आपका टाइम जो है वो बेसिक यूनिट है सेकंड्स में। जब तक वो कहेगा नहीं कि किलोमीटर पर आवर में आंसर लिखें, आप बेसिक में काम करेंगे यानी मीटर पर सेकंड में इसको होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इस वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए यहां आप इसको सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी इज 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहां जो है वो हम इसको 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तरीका देख लें अच्छे तरीके से, जब भी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी होगी कोई भी वैल्यू होगी तो उसको कन्वर्ट करने का, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का यही तरीका होता है। 36 क्योंकि हमें किलोमीटर नहीं लिखना, मीटर लिखना है, तो किलो की वैल्यू जो होती है किलो इज इक्वल टू 1000। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 करें, के हटा दिया मीटर हो गया। अब पर आवर है यानी डिवाइडेड बाय आवर, तो आवर जो होता है 1 आवर इज इक्वल टू 3600
सेकंड्स, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। वन आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड वन मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। और एक आवर में सेकंड्स देखने हो तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 तो डायरेक्ट आवर टू सेकंड हम चले जाते हैं 3600। तो अब इस आवर की जगह 3600 सेकंड आप देख सकते हैं। तो ये 3600 सेकंड्स, अब ये जीरो कैंसिल कर दें, टू जीरोस, और ये 36 वन था, ये भी 36 वन था, तो वन को 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 मीटर पर सेकंड, तो 36 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी दी हुई है, ये इक्वल आई है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। तो अब आपने फॉर्मूला लगा दिया है, s is equal to v average in uniform velocity multiplied by time, 10 multiplied by 10 second time है, 10 times 100 meter। तो ये आपका first numerical है जिसमें distance मालूम करना था। अब हम आते हैं numerical number 2। numerical number 2 में कहता है time starts from rest, special one कि starts from rest जब भी कहे तो initial velocity 0 होगी, 0 meter per second। it moves through 1 kilometer, ये distance दिया हुआ है 1 kilometer, अभी इसी को change कर रहे हैं is equal to 1000 meter, यानी ये distance को cover करती है इन 100 सेकंड्स। यूनिट्स को देखते जाए, डाटा लिखते जाए, 100 सेकंड्स का मतलब टाइम, टाइम इज इक्वल टू 100 सेकंड्स। उसके बाद विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड्स, मतलब एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्म है, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड्स, यानी 100 सेकंड का टाइम गुजरेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। क्लियरली आप देख सकते हैं starts from rest, what will be its speed at the end of 100 seconds, जब 100 second के end की बात कर रहा है तो clear है कि ये final speed आपसे पूछ रहा है। तो अब आप देखेंगे इसमें equation of motion कौन सी लिखनी चाहिए, आपको जो चीज दी हुई है vi है, s है और t है, और जो calculate करना है वो है vf। अब देखें तीनों equation of motion लिखे, vf is equal to vi plus at, ये है first equation of motion, s is equal to vit plus half at square, ये है second equation of motion, और 2as is equal to vf square minus vi square, ये है third equation of motion। अब आप देख सकते हैं कि vf जो हमने calculate करना है वो first equation में आता है और third equation में आता है, second में नहीं आता। इसका मतलब है कि vf के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन लगानी चाहिए या थर्ड लगानी चाहिए, लेकिन मसला यह है कि थर्ड इक्वेशन में s आता है हमारे पास है, vi आता है हमारे पास है, लेकिन a नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, vf के लिए हमें एक्सेलरेशन नहीं चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाए, vi मौजूद है, t मौजूद है, एक्सेलरेशन नहीं है, दोनों केसेस में हमारे पास एक मसला आता है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का। सबसे पहले आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए ना आप फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं ना थर्ड लगा सकते हैं, उसकी वजह कि इसमें vf मिसिंग है जो हमने कैलकुलेट नहीं किया अभी तक, तो इसके लिए हमें सेकंड इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो लिखेंगे फ्रॉम, आपको वजह पता होनी चाहिए कौन सी इक्वेशन लगानी है और क्यों लगानी है। फर्स्ट इक्वेशन vf के लिए चाहिए थी, a नहीं है, थर्ड इक्वेशन vf के लिए चाहिए थी, a नहीं है, a के लिए ना फर्स्ट लगा सकते हैं ना थर्ड क्योंकि vf नहीं है, तो vf ना a की हेल्प कर पा रहा है ना a vf की हेल्प कर पा रहा है फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में, लेकिन सेकंड इक्वेशन से आपको एक्सेलरेशन मिल सकता है, आपके पास t है, vi है, t और s मौजूद है, इस डाटा से आप सेकंड इक्वेशन से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन s is equal to vit plus
हाफ ए टी स्क्वायर वैल्यूज डालें, एस की वैल्यू 1000 इज इक्वल टू वी आई 0, टी की वैल्यू 100 प्लस 1/2, ए आपने कैलकुलेट करना है और ये 100 का स्क्वायर। अब आप देखें ये तो हो जाएगा 0, 1000 इसी तरह लिखें, 1/2 ए भी इसी तरह लिखें और 100 का स्क्वायर होता है 10000। आसानी से आप पता लगा सकते हैं, 2 0 है स्क्वायर में डबल हो जाएंगे, तो अब आप 3 0 इधर और 3 0 इधर कैंसिल कर दें। अब आप 2 को 8 5 से के टेबल से कैंसिल करें 10 को, तो ये बनेगा 1 is equal to 5a and a is equal to 1/5। अब आप चाहे तो 1 को 5 से डिवाइड करें, ये 0.2 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आपके पास कोई वैल्यू आ जाए तो उसकी यूनिट लाजमी लिखा करें। एक्सेलरेशन मिल गया, बड़ी आसान सी बात, फर्स्ट इक्वेशन अब आप लगा सकते हैं vf के लिए। तो अब आप साथ ही इससे आगे यहां आ जाए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पूरी बात लिखें। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf = va + at एंड vf = vi आपका है 0, a आपके पास 0.2 आया है और t आपका है 100। तो vf = 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आता है, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका आंसर है। आपको vf मालूम करने के लिए a चाहिए था और a के लिए आपको सेकंड इक्वेशन लगानी पड़ी है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन दोनों में vf खुद मौजूद है, जो कि हमने मालूम करना है, वो भी हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमने सेकंड इक्वेशन लगाई है। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 2। अभी न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3 में कहता है अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इट एक्सीलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी। आपने डिस्टेंस मालूम करना है और फाइनल वेलोसिटी, लेकिन गिवन क्या है, फिर से मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, अ कार ट्रैवल्स, अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। जब वो वेलोसिटी बता रहा है वो फाइनल वेलोसिटी पूछ भी रहा है, इसका मतलब ये जो वेलोसिटी दी गई है जिससे वो ट्रैवल कर रही है ये इनिशियल वेलोसिटी है। इट एक्सेलरेट्स यानी एक्सेलरेशन है दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद फॉर हाफ मिनट, मिनट बताता है मिनट टाइम है और हाफ मिनट का मतलब 30 सेकंड्स, डायरेक्ट लिख सकते हैं 30 सेकंड टाइम है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल एस आपने कैलकुलेट करना है एंड फाइनल वेलोसिटी, और अब आपने फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है। देखिए फाइनल वेलोसिटी और एस, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नजर आ रहा है, सेकंड इक्वेशन से आप कर सकते हैं। अगर आप फाइनल वेलोसिटी पहले कैलकुलेट कर लें तो फिर एस के लिए आप थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं। अब आपकी मर्जी है आप vf पहले कैलकुलेट करें या s पहले कैलकुलेट करें। तो अगर हम vf कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, vf इज इक्वल टू vi प्लस at, हमारे पास a मौजूद है, vi और t तीनों चीजें मौजूद हैं, vi की वैल्यू है 10 प्लस a की वैल्यू है 0.2 और t है 30 सेकंड्स। तो ये 10 प्लस 30 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 10 को 6 में ऐड करें 16 मीटर पर सेकंड। ये आपकी आती है फाइनल वेलोसिटी, या फाइनल वेलोसिटी मिल गई है। तो अब आपकी मर्जी है कि आप सेकंड इक्वेशन लगा के मालूम करें, वो तो इससे भी आ सकता है लेकिन थर्ड भी लगा सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको बताया था कि एस के लिए सेकंड इक्वेशन भी और थर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन थर्ड इक्वेशन के लिए आपको पहले वी एफ कैलकुलेट करना पड़ेगा और जो आपने कर लिया है। लेकिन अगर आप सेकंड इक्वेशन लगाते तो वी एफ के बगैर भी आप लगा सकते थे, डाटा आपके पास मौजूद है। सेकंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू
वीआईटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है सेकंड इक्वेशन। अब हम थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, और s इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अब आप इसको इसमें वैल्यूज पुट करें, vf की वैल्यू आई है 16, इसका स्क्वायर माइनस vi की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सॉरी 10, 10 का स्क्वायर और 2 into a 0.2। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है 16 का स्क्वायर होता है 256 और माइनस 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 0.4 आता है। ये 156 डिवाइडेड बाय 0.4 है। इसका तरीका यह है, अगर आप कैलकुलेटर नहीं यूज करते फिर भी आप कर सकते हैं, इसको डेसिमल मूव करें मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा ऑलमोस्ट। अब आप इसको 1560 डिवाइडेड बाय 4 करें, 4 3 12, 3 बचता है 4 9 36 और ये 0। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आप इसको 156 डिवाइडेड बाय 0.4 भी कर सकते थे, कैलकुलेटर से कर लें 390 मीटर आएगा, 390 मीटर ये है आपका डिस्टेंस। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 3, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। अब न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 में कहता है, अब ये फ्री फॉल का केस है, अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। जब भी किसी चीज को वर्टिकली थ्रो किया जाए अपवर्ड या ऊपर से छोड़ दिया जाए तो इस प्रॉब्लम को, इस केस को कहते हैं फ्री फॉल। ये कौन सा केस है? फ्री फॉल। फ्री फॉल के केस में दो बातें होती हैं, या तो किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाए या तो बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ा जाए। इस केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी एनी नंबर होगी और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो होती है ऊपर जाते हुए। जब ऊपर से नीचे बॉडी आती है तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है और वो जीरो होती है, और नीचे जब आती है तो फाइनल वेलोसिटी जो होती है। अब याद रखें कि फ्री फॉल में जिस वेलोसिटी से किसी चीज को ऊपर थ्रो करते हैं वापस वो उसी जगह पे उसी वेलोसिटी से आती है, यहां की वी आई जो थी ऊपर जाके वी एफ जीरो होगी, तो जिसका रिवर्स प्रोसेस होता है, जहां वी आई जीरो और वी एफ जो है वो वही वैल्यू आती है जो इसकी थी। अगर 30 मीटर की वेलोसिटी से थ्रो किया गया तो वापस भी 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आएगा। अब और क्या चेंजेस आती हैं इस केस में फ्री फॉल में, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ऐसे लिखी जाएगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब जी क्या होता है? ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है। आपकी बुक में इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से बॉडीज फ्री फॉलिंग में ऊपर से नीचे आती हैं, और इसी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से फ्री फॉलिंग में बॉडीज नीचे से वर्टिकली ऊपर जाती हैं, लेकिन जब बॉडी ऊपर जाती है तो इस जी की वैल्यू अपवर्ड मोशन में -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। रीजन क्या होती है? जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है। तो ऊपर से नीचे आते हुए जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे से ऊपर जाते हुए -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये डीसेलरेशन होता है, इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। ये आपका केस है फ्री फॉल का। तो मैं आपको बता रहा था कि vf = va + gt। अब s = सेकंड इक्वेशन थी, लेकिन यहां हम क्या लिखेंगे? h। ये भी मैं बताता हूं आपको, vt plus half gt square, not at square, at square नहीं आएगा, acceleration क्योंकि change हो गया, acceleration हमारा constant acceleration, इसको gravitational acceleration कहते हैं, तो ये g हो गया। अब ये s की जगह h क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ distance का case नहीं रहा, बल्कि height का case है। जब कोई चीज ऊपर जाती है तो वो height cover करती है,
थर्ड इक्वेशन बनेगी 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VH स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन वेरिएशन की तैयार करती हैं फ्री फॉल के केस में। अब आपका आता है न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ न्यूमेरिकल। A tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 meter per second. VI 30 meter per second है और ऊपर जाने का केस है, यहाँ VI जो है वो 30 है और final velocity ना भी दे, आपको पता होगा कि ये VI is equal to 0। ऊपर जाके बॉल यहाँ maximum height पे रुकेगा। It takes 3 seconds to reach the highest point. Time. यहां से यहां जाने का जो टाइम है 3 seconds है। उसके बाद कहता है calculate the maximum height reached by the ball. Maximum height आप बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लिख लें VF is equal to upward जाने का केस 0 meter per second. Students कुछ चीजें वो नहीं देगा, आपको खुद guess करना है कि free fall का केस है, बॉल ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम हाइट पे उसको जीरो होना चाहिए, जीरो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। अब ये कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट h आपने कैलकुलेट करना है। और एक और चीज जो इसने नहीं दी वो हमें पता होनी चाहिए, वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज माइनस 10। g इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जहां ये सारा सॉल्व किया जा रहा है। उसके बाद इट विल टेक टू हाउ लॉन्ग it will take to return to the ground. So total time in air, इसको कहते हैं total time in air, हवा में कितनी देर रहेगा ground पे वापस, total time कितना लगाएगा और वापस आ जाएगा, ये आपने calculate करना है। height और total time दो बातें आपसे पूछी गई हैं। अब height के लिए h is equal to vit plus half gt square. Second equation लगा दें, from second equation vi बनता है 30 और t आपका बनता है 3 plus 1 over 2, g की value minus 10 और t की value 3 इसका square, 33 is 90 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स ऑफ 90 डिवाइडेड बाय 2 45, 90 में से 45 माइनस करें तो 45 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये 45 मीटर तक ऊपर जाएगा। नेक्स्ट जो चीज उसने पूछी है टोटल टाइम इन एयर, टोटल टाइम इन एयर इज इक्वल टू 2t। 2t क्यों होता है, जितना टाइम ये जाने में लगाएगा उतना ही टाइम ये वापस आने में लगाएगा, तो जाने का टाइम तो उसने दे दिया 3 सेकंड्स, आने का टाइम भी उतना ही होगा, तो ये 2t हो जाएगा। 2 × 3 इज इक्वल टू 6 सेकंड्स। तो एयर में या वापस ग्राउंड तक आने में ये 6 सेकंड लेगा। तो ये आपका है 2.4 न्यूमेरिकल। अब हम आते हैं 2.5। इसका मतलब 40 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी। 2.5 में इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 40 मीटर पर सेकंड। For 5 seconds, और फिर ये जो 40 मीटर पर सेकंड है, थोड़ा देख लें इसको, ये 40 मीटर पर सेकंड पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलेगी, यहां 40 मीटर पर सेकंड और ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, लेकिन जब ये रेस्ट पे जाती है गाड़ी, यहां इनिशियल वेलोसिटी यही 40 मीटर पर सेकंड। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लें,
ये 40 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रही है, ये ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगले स्टेप के लिए इस केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन पहला केस जो है यहां से यहां तक फॉर 5 सेकंड्स टाइम कितना लेती है, 5 सेकंड्स। यानी इस क्वेश्चन के दो केसेस हैं, एक केस 1 है जिसमें इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड और वो 5 सेकंड्स तक इसी तरह चलती रहती है, टाइम कितना लेती है इस काम के लिए, 5 सेकंड्स। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड्स, वो हम बाद में करते हैं पहले ये केस। उसके बाद कहता है 10 सेकंड्स विद यूनिफॉर्म डीसेलरेशन, ये यूनिफॉर्म डीसेलरेशन और इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है 0 मीटर पर सेकंड और इसको यहां से यहां तक 10 सेकंड्स लगती है और ये टाइम जो है टाइम 1 है ये 5 सेकंड्स है, ये जो दूसरा टाइम है ये 10 सेकंड्स है। इस बात को अच्छी तरह समझें, ये केस अलग है ये केस अलग है। अब हमने ये देखना है कि इस टाइम में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो यहां लिखेंगे s इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम 40 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 5 सेकंड्स। तो 40 को 5 से मल्टीप्लाई करें 200 मीटर, यहां उसने 200 मीटर डिस्टेंस कवर किया है फर्स्ट टाइम के लिए, ये फर्स्ट टाइम है और ये फर्स्ट डिस्टेंस है 200 मीटर। अब नेक्स्ट वो कहता है कि फिर वो ब्रेक्स लगाता है और वो कम्स टू रेस्ट, फिर वो रुक जाती है। अब हम केस 2 पे आ जाते हैं, केस 2 में ये हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 40 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 मीटर पर सेकंड है और टाइम जो लेती है रुकने में वो 10 सेकंड का लेती है। तो फाइंड द डीसेलरेशन, मतलब इसने डीसेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है वो बताएं कितना है। तो एक्सेलरेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे आप, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vm is equal to Vi plus Kd and A is equal to Vi को minus करें इधर Vf minus Vi और T को divide कर दे। तो Vf क्या है 0 minus Vi क्या है 40 और time कितना है 10। तो जब minus 40 को 10 से divide करें minus 4 meter per second, इसका deceleration है। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, उसने क्या है फाइंड द टोटल डिस्टेंस। आपका पहले प्रोसेस का इस पे स्केल का डिस्टेंस तो 200 मीटर आ गया, लेकिन ये डिस्टेंस ब्रेक लगाते हुए भी तो उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो अब आप दूसरे डिस्टेंस पे आए, s2 इज इक्वल टू क्योंकि एक्सेलरेशन मिल चुका है, आप सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं या आप थर्ड इक्वेशन लगा लें, s2 इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ये कैसे लगती है आपको पता है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन, हमें सिर्फ s चाहिए, s इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, इस 2a को इधर डिवाइड करते हैं। अब वैल्यू जब हम डालते हैं हम vf का स्क्वायर, vf आपकी है 0 0 स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, ये 0 है ये vi आपका 40 है, 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और a कितना है माइनस 4, ये माइनस का साइन बाहर है, 40 का स्क्वायर आता है 1600 माइनस 1600 डिवाइडेड बाय 2 फॉर द गेट माइनस 8, माइनस और माइनस कैंसिल 8 2 का 16, तो ये 200 आता है दूसरा डिस्टेंस भी। अब आप देख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा s1 प्लस S2, तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये आपका आता है 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 400 मीटर। तो टोटल इसने
जो डिस्टेंस कवर किया है वो 400 मीटर और जो डीसेलरेशन यहां हुआ है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये -400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 6 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 में कहता है a train starts from rest with an acceleration of 0.5 meter per second square, starts from rest, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, di is equal to 0 meter per second, rest से start करती है, यानी रुकी हुई थी, acceleration है 0.5 meter per second square, find its speed in kilometer per hour when it has moved through 100 meter, डिस्टेंस उसने कवर किया है 100 मीटर का और उसकी स्पीड आप मालूम करें लेकिन इन किलोमीटर पर आवर, स्पीड जब आ जाएगी तो आपने उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। अब आप देखिए एस वी आई ए और वी एफ, ये कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as vf2 minus vf2, ये देखिए ये सारी चीजें थर्ड इक्वेशन में है, t नहीं है, t मिसिंग है, t की जरूरत नहीं है ना यूज होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आप इसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as is equal to vf2 minus vf2, vf2 is equal to vh2 को इधर ले आए 2as plus vh2, अब vf2 अलग हो गया 2, acceleration की वैल्यू है 0.5, डिस्टेंस दिया हुआ है 100 प्लस vi जो है वो 0 है, 0 का स्क्वायर। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें 1 आता है, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करें, यानी फाइनल रिजल्ट हमारा 100 आ गया vf2। तो अब आपने स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ, vf2 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा आंसर, vf इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। अब जो 10 मीटर पर सेकंड है इसको हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया, वो जरा तरीका आप अलग से देख लें कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे जाते हैं। आपकी फाइनल वेलोसिटी यदि 10 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, 10 है मीटर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा डिस्टेंस पे लिख रहा हूं, आप इसके साथ क्या लिखना चाहते हैं, किलो, के लगा दियो, अपनी तरफ से आपने लगाया है किलो, किलो का मतलब आपको बताया था k इक्वल टू 1000 होता है, जब आप k मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां इसमें तो इसको बैलेंस करने के लिए 1000 को डिवाइड करें, समझ लो ये और ये कैंसिल, तो 10 किलोमीटर तो चेंज हो गया, मीटर किलोमीटर में बदल गया, 1000 से डिवाइड हो गया। अब पर सेकंड का आप लिख रहे हैं पर आवर, हम लिखना चाहते हैं पर आवर, तो 1 आवर इज इक्वल टू आपको बताया है 3600 सेकंड होते हैं, तो जब किलो ऊपर लगा 1000 नीचे डिवाइड हुआ, जब आवर डिवाइड हुआ तो मल्टीप्लाई क्या होगा 3600, ये इसके साथ बैलेंस, ये इसके साथ बैलेंस, तो किलोमीटर पर आवर भी हो गया और बैलेंस भी हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, ये तीनों जीरोस कैंसिल, नीचे वालों के साथ 36 बचता है, तो 36 किलोमीटर पर आवर, ये x पावर माइनस 1 का मतलब पर आवर ही होता है, ये आपकी जो फाइनल वेलोसिटी आई थी वो किलोमीटर पर आवर में आ रही है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, इसका मैंने किया है 6 न्यूमेरिकल्स पे मुश्तमिल है, बाकी आपके 4 न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो थोड़े लॉन्ग भी हैं तो उनको हम अलग पार्ट में कर देंगे, 6 न्यूमेरिकल तक आप अभी तक फिलहाल सीखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। बहुत शुक्रिया।